लेकिन हजरत अब्बास अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कदमे लंबे थे। जब हजरत अब्बास अली अकबर के साथ साथ चलते थे तो सीधे नहीं चलते थे बल्कि अपने घुटनों के बल चला करते थे। जैसे आदमी झुक जाता है ना, झुक के। अली अकबर जो है ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे है और मैं नहीं चाहता हूँ मैं जब इनके बराबर में चलूंगा तो मेरे जिस्म का साया अली अकबर के जिस्म पे पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तस्वीर मुस्तफा पे अब्बास का साया पड़ जाए, इसलिए मैं इनके साथ में झुक के चला करता हूँ। वो हजरत अब्बास भी जामे शहादत नोश कर जाते हैं, जामे शहादत नोश कर लेते हैं। आखिर में मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने खेमे में तशरीफ लाते, काका अमामा शरीफ निकालते हैं, इसमें से आप नाना मुस्तफा का अमामा सर पे बांधते हैं, बाबा की जुल्फिकार हाथ में लेते हैं। ये तलवार जो थी इसका नाम जुल्फिकार आका हुसैन। चांद
देख कर समारोह लगे, कुर्सियों में शोर बरपा हो गया, आहोजारी में तूने मुगदिला, रुखसती का खाब मंजर फुलमला, चल पड़ी बिन माँ के बच्चे चल पड़ी, शाख की हर दिल पे रुखसत की घड़ी, गए सुल्तान दी पानी पढ़ कर दे दिया। हैंडल हम नहीं लगा पाते बात। जैसी चॉप वैसी कढ़ाई कर ले।
चलो ले जा रहे हैं। दुश्मन के कलेजे का बूटे जब तू है न जब तू पास गए जब तू है न जब तू पास गए जब तू ही मैं तू पास गए दुश्मन के कलेजे का बूटे जब तू पास अकेला लश्कर है अब्बास अकेला लश्कर है से बाहर ज़ईफ़ा एक आई घूमती मैदान के अंदर सरे अब दस को देख
देखा तो गिरी फौरन वो गश खा कर, लिया फिर गोद में सर को दिया पेशानी को कोसा, जो सर लाया था खूनी बेखबर खेमे में सोता था, ज़ईफ़ा प्यार करती सर को रोती और गश खाती, वो कहती मेरा बस चलता तो जाके कर बचा लाती। तभी एक शख्स आया तो अचानक रोने की आवाज सुनकर वो इधर आई, जिधर बेचैन की कैदी बनी शब्बर की माँ जाई, जो बुढ़िया खास पहुंची रोई ज़ैनब से गले मिलकर, कहा हसनैन की तुम कौन हो ऐ बेकसूर आका के घराने का, मुझे याद आ रहा है दौर एक गुजरे जमाने का, मैं बीबी फातिमा के घर में थी जब फातिमा उनकी, सरे मुबारक को देखकर आपकी पेशानी का बोसा लेती है, अचानक रोने की आवाज सुनकर वो उधर गई जहां से आवाज आ रही थी, हजरत ज़ैनब के पास जाकर पूछती है कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं जब बचपन में फातिमा के यहां उससे मिल रही है, सच सच बताओ कौन हो, कहां की रहने वाली हो, ये सुनकर आगे क्या होता है समाज फरमाइए। बताओ तो जरा ये क्या हुआ, तुम किसकी बेटी हो के हजरत फातिमा ज़हरा की अदना फातिमा हूँ मैं, सही पानी कहा मैं शहद लाई हूँ इसे ले लो, अगर मंजूर कर लो तुम तो मेरा पार बेड़ा हो, लिए बैठी थी मैं तो पहल से सर अपने मौला का, हुसैन इब्ने अली से मिलता है बेटी तेरा चेहरा, मुझे तू सच बता बेटी तू मेरी आका जाती है, यकीन आता नहीं मुझसे हकीकत क्यों छुपाती है, कहा ज़ैनब में तुम परदेश में ये शहद लाई हो, कबूल सुखो में करती हूँ चमन सब लुट गया मेरा, के भूखा और प्यासा करबला में कट गया कुनबा, ये सुनकर वो गई पाए रोई और ने या हुसैन इब्ने अली हैदर, वो अपनी जान लेकर आई थी ज़ैनब की खिदमत में, जुदा होकर तने अतहर से पहुंची रूह जन्नत में, सही बाने को देखा जुल्म ये सहरा के लानों पर, अल
अल्लाह वाली जान दी अल्लाह वालो अल्लाह वाली जान दी अल्लाह वालों पर। ये रोने की आवाज सुनकर बुली जाग जाता है और फिर वहां आ जाता है जहां ये लोग आहुता कर रहे थे। उसके बाद ये सरे मुबारक फिर कहां जाता है समाप्त कीजिएगा हजरत। सदा रोने की सुना वही पास में था इबादत वो किया करता था उसमें ना मुसलमान था। हुई जब रात को लश्कर की जान दो वो था दौलत का भूखा दे दिया सर उसने राज हमको। वो राह ले गया गिर जाने सर के रखा गिर मुकद्दर हो क्या देखा उस चर्च के अंदर जो सरे मुबारक रखा हुआ था हजरत इमाम अली मकाम का। उससे एकदम रोशनी निकलती है, उस रोशनी से फिर जब मजा उठती है और आगे क्या होता है सही बात। गिरजा घर की सब इमारत जगमगा उठी कहा राह अपने ऐ इब्ने अली तू अब भी जिंदा हो। नवासे हो मोहम्मद के खुदा के नेकू बंदा हो। कबार ना के मैं पढ़ता हूँ कलमा आपके दर का। कहकर पढ़ लिया उस शख्स ने कलमा